आपको कभी भी पेट्रोल राउंड फिगर में जैसे 50, 100 या 200 का क्यों नहीं लेना चाहिए? और अगर आप इस इमेज को किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करोगे तो इसके बदले आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। पर आखिर क्यों? और अगर आप इस थाली के सारे फूड आइटम्स को खा जाओगे तो आपको गिफ्ट में एक ब्रांड न्यू बुलेट मिलेगी। और ये इंसान बिना दिल के आखिर कैसे जी पाता है? तो रेडी हो जाओ एक बार फिर से स्टनिंग फैक्ट्स के ब्लास्ट के लिए। फैक्ट नंबर 20, यूएस के इस फेमस गोल्डन गेट ब्रिज के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इसका ये जो सस्पेंशन केबल है, आपको क्या लगता है ये केबल कितना मोटा होगा? तो इस केबल का आप एक क्लोज इमेज देखो, ये इसी केबल का एक क्रॉस सेक्शन इमेज है जो ये डिपिक्ट करता है कि ये केबल एक्चुअली इतना मोटा है। फैक्ट नंबर 19, आपको पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल में अब भी एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स मौजूद है। तो इन्हीं एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जिसका नाम है पोलोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 84। तो इसका एक आइसोटोप है पोलोनियम 210, और ये इतना रेडियोएक्टिव होता है कि सिर्फ इसके एक ग्राम से अप्रोक्स 50 मिलियन लोग मर सकते हैं। और यही कारण है कि इसे पुराने जमाने में युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 18, इंडिया में आप कोई भी कैसा भी इमेज कहीं भी शेयर कर सकते हो, पर रशिया में 4074 फोटोज का एक लिस्ट है जिनमें से किसी भी इमेज को कहीं भी शेयर करना बैन है। और इस लिस्ट में बाद में एक और फोटो को ऐड किया गया जो कि ये है। आप देख सकते हो ये रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर एक निगेटिव मीम है जो कि 2013 में बहुत वायरल हो गया था, इसलिए इस इमेज को आगे चलकर बैन कर दिया गया। मतलब आप रशिया में इस इमेज को किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर नहीं कर सकते। और अगर कोई इंसान इस इमेज को किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करने का डेयर करता है तो उसे $53 का फाइन और 15 दिन तक जेल में रहना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 17, हमारा दिल हर पल धड़कता है इसलिए हम जिंदा है। अगर यही दिल धड़कना बंद कर दे तो समझो हमारा गेम ओवर। तो क्रैग लेविस नाम का एक इंसान है और ये लिटरली बिना दिल के जीता है। मतलब इसका दिल हम लोगों की जैसा धड़कता नहीं, बट फिर भी ये जिंदा है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल दिल को लगाया गया है जो कि ब्लड को पंप करके फ्लो नहीं करता बल्कि कंटिन्यूअस फ्लो करता है। दैट्स व्हाई इनका दिल नहीं धड़कता तब भी ये जिंदा है। फैक्ट नंबर 16, महाराष्ट्र के पुणे में एक कॉन्टेस्ट को हेल्ड किया जाता है। इस कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे नॉनवेज फूड से एक बड़ा सा थाली को भरकर लोगों को दिया जाता है, और जो आदमी उस पर्टिकुलर थाली के सारे आइटम्स को 60 मिनट के अंदर खा जाता है उसे इनाम के तौर पर फ्री में एक रॉयल एनफील्ड बुलेट गिफ्ट दिया जाता है। रियली? फैक्ट नंबर 15, आपको पता ही होगा कि स्पेस में जाने वाले सबसे पहला इंसान थे कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन। पर क्या आपको ये पता है कि स्पेस में सबसे पहला सेल्फी लेने वाला इंसान कौन थे? तो वो है एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन, जिन्होंने 1966 में जेमिनी 12 मिशन के दौरान सबसे पहली बार स्पेस में सेल्फी लिया था। और इनके नाम एक और फेमस रिकॉर्ड दर्ज है, चांद पर सबसे पहली बार यूरिनेट करने का रिकॉर्ड। फैक्ट नंबर 14, एक जापानीज फ्लावर होता है और आप उसका इमेज देखो, ये लिटरली ऐसे दिखते हैं। मतलब देखो इनके ये जो पंखुड़िया होते हैं वे इतना सिमेट्रिकली सजे होते हैं जो वाकई ऑसम लगता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि जो बेसिक नंबर्स है मतलब 1 से लेकर 9 तक और 1 0, मतलब ये जो नंबर्स है इनके अंदर एक मस्त सा सीक्रेट चीज छुपा होता है। यहाँ देखो, एक नंबर में एक एंगल होता है, 2 नंबर में 2, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ऐसे ही 3 में 3 एंगल, 4 में 4 और बाकी सब, और अंत में 0 में 0 एंगल्स। क्यों है ना ये अमेजिंग चीज। फैक्ट नंबर 12, स्वीडन में गुलहोलम नाम का एक आइलैंड है और ड्रोन द्वारा कैप्चर किया गया, आप उसका एक स्टनिंग व्यू देखो। मतलब देखो ये आइलैंड इतना अमेजिंग दिख रहा है, सोचो वहाँ पर जाने में कितना मजा आएगा। फैक्ट नंबर 11, कोई भी कंट्री अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस पर अपना एक टैग डाल देती है, जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका, ऐसे करके। तो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो अपने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पर मेड इन ऑस्ट्रेलिया टैग के साथ उसके नीचे एक छोटा सा स्केल भी डालती है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना परसेंट ये प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में बना है और कितना परसेंट मटेरियल्स इसमें दूसरे कंट्री का यूज हुआ है। एटलीस्ट ये चाइना वालों से तो अच्छे ही है, नहीं तो चाइना वालों का क्या, भारत में पूरा फोन मैन्युफैक्चर होगा और वे लोग इसका डब्बा बनाएंगे और उस पर टैग डाल देंगे मेड इन चाइना। वाह, व्हाट अ क्रिएटिविटी। फैक्ट नंबर 10, हॉलीवुड की एक बहुत ही अमेजिंग मूवी है जिसका नाम है इंसेप्शन। इस मूवी को आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये कितनी फैसिनेटिंग मूवी है। तो इसके जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, उनको इस मूवी को लिखने में पूरे 10 साल लग गए थे। मतलब 10 साल के हार्डवर्क के बाद उन्होंने इस मास्टरपीस को तैयार किया। फैक्ट नंबर 9, हम जैसे इस दुनिया को देखते हैं जरूरी नहीं है वैसे ही एनिमल्स भी देखते हो, और उसका लाइव एग्जांपल आप इस इमेज में देखो। अगर इंसान को ये जगह कुछ ऐसा दिखता है तो कैट को यही जगह कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर यही सेम प्लस डॉग को कुछ ऐसा दिखता है तो इंसान को कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 8, आप नोटिस करना कि अगर आपको कोई देख रहा होता है तो उसको बिना देखे भी आपको फील हो जाता है कि
भी आपको कोई देख रहा है तो इस प्रकार के फिनोमिनन को गेज डायरेक्शन कहते हैं। और ये एक प्रकार का एक सेंस होता है जिसे दिमाग तब एक्टिवेट या यूज करता है जब आपको कोई स्टेयरिंग कर रहा होता है। फैक्ट नंबर 7, सचिन तेंदुलकर जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, तो जब इनको अपनी पहली कार जो कि मारुति 800 थी, तो उस कार को लेने के लिए सचिन को बैंक से 40,000 का लोन लेना पड़ गया था। और आज देखो वही सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड फेमस BMW कार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वेली मैन रियली हार्ड वर्क पेज ऑफ। फैक्ट नंबर 6, ठंडी के मौसम में हल्का सा भी टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक फॉल डाउन होता है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो सोचो तब क्या होगा जब यही टेम्परेचर गिरकर -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। आप बोलोगे ग्राउंड लेवल पर ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ब्रो सुनो, एंटार्क्टिका में साल 1893 में एक्चुअल में -39.2 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया था। और इस टेम्परेचर को स्पेसिफिकली एंटार्क्टिका के वोस्टक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। फैक्ट नंबर 5, चाइना में एक विलेज है जिसको लॉन्ग हेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के सभी वुमेन का बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि वहाँ के औरतें एक ओल्ड ट्रेडिशन के अनुसार अपना बाल पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही कटवाती है, जब वे 18 साल की हो जाती है तब। इसलिए वहाँ के सभी औरतों के बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट सुनकर ना आपको मजा आ जाएगा। देखो 1967 में नाइजीरियन सिविल वॉर चल रहा था, और आपको पता ही है कि कोई भी युद्ध होता है वो किसी दो गुटों के बीच में होता है। तो साल 1960 में ये जो नाइजीरियन सिविल वॉर चल रहा था उसने के दोनों पक्षों के सोल्जर्स ने आपस में राय कर 2 दिन के लिए वॉर को रोक दिए, सिर्फ इसलिए ताकि उस वक्त के फेमस सॉकर प्लेयर पेल को मैच खेलते हुए देख सके। मतलब मैच देखने के लिए उन्होंने 2 दिन के लिए लड़ाई बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 3, आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने का हर चीज का एक अलग ही अलग प्रकार का व्यू होता था। तो US की रहने वाली लेसी फे नाम की एक लेडी है, और आज भी मतलब इस जमाने में भी वो ऐसे रहती है मानो वो 1950s के एरा में रह रही हो। मतलब उसकी कार, कपड़े, घर स्टाइल सब चीज 90s से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 2, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, पर मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि अगर मैं किसी चीज को खोल रहा होता हूँ और अगर वो आसानी से नहीं खुलता तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम मुझे इमेंस लेवल का गुस्सा आ जाता है, और उस कंडीशन में मैंने तो कई बार कई सारी चीजों को तोड़ भी दिया है। आप सोच रहे होंगे कि अपने बारे में क्यों बता रहा है, तो सुनो, मुझे इसको बताने का मकसद ये था कि जिनको भी मेरे जैसे ऐसे गुस्सा आता है किसी चीज को आसानी से ना खुलने पर, तो ये एक्चुअली एक कंडीशन के कारण आता है जिसे रैप रेज कहते हैं, और आई थिंक ये कंडीशन मैक्सिमम लोगों को जरूर होगा। फैक्ट नंबर 1, लोगों की एक साइकोलॉजिकल सोच होती है कि वे सिंपल वे को ज्यादा प्रीफर करते हैं चाहे किसी भी फील्ड में, इसलिए लोग पेट्रोल लेने भी जाते हैं तो ज्यादातर केसेस में 50-100 या 200 का पेट्रोल लेना ही प्रीफर करते हैं। मतलब ऐसे राउंड फिगर में ही पेट्रोल लेना प्रीफर करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्यों, सुनो, पहले ऐसे कई बार केसेस आ चुके हैं जिसमें पेट्रोल पंप में ऐसा कोडिंग कर दिया जाता था जिसके बाद अगर कोई राउंड फिगर में पेट्रोल लेता था तो उसको कम पेट्रोल मिलता था। जैसे अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल लिए तो आपको 80 रुपए का ही पेट्रोल मिला। ऐसा स्कैम एक्चुअल में पहले हो चुका है, हालांकि बाद में सारे पेट्रोल पंप्स का जांच हुआ और सभी कंपनीज ने अपने अपने सॉफ्टवेयर को फुली कंप्यूटराइज किए, जिसके बाद हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होने लगी और उसके बाद राउंड फिगर वाला स्कैम बंद हो गया। बट फिर भी अपने सेफ्टी के लिए हमें ऑड फिगर में ही पेट्रोल लेनी चाहिए, जैसे 100 का लेना है तो 97 का लो या 101 का, और ऐसे ही और भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।